Welcome back on your online study classes. I am going to teach you class 4, lesson 4, which name is You Cannot Make Happy Everybody. यानी कि तुम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, ये नाम है पाठ का। बड़ा ही रोचक कहानी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। लेखन दिया हुआ है, वन डे ए पोटर अलॉन्ग विथ हिज सन रोड ए डंकी एंड स्टार्टेड फॉर द सिटी। वन डे एक दिन ए पोटर एक कुम्हार अलॉन्ग विथ के साथ हिज सन अपने पुत्र यानी अपने पुत्र के साथ रोड सवार होकर के ए डंकी एक गधे पर कह रहा है कि एक दिन एक कुम्हार अपने पुत्र के साथ एक गधे पर सवार होकर के सवार हुआ एंड स्टार्टेड फॉर द सिटी एंड स्टार्टेड और शुरू हुआ या चल दिया फॉर द सिटी नगर के लिए शहर के लिए और शहर के लिए चल दिया। दे विश्ड एवरीबॉडी ऑन द वे, दे विश्ड वे अभिवादन करते थे एवरीबॉडी प्रत्येक लोगों का ऑन द वे रास्ते पर, वे रास्ते में प्रत्येक लोगों का अभिवादन करते थे वो दोनों कुम्हार और उसका बेटा। अब उसके बाद हुआ क्या कि हाउ क्रुएल यू आर एन ओल्ड मैन सैड टू देम, एक बूढ़ा आदमी सैड कहा टू देम उनसे, एक बूढ़ा आदमी अर्थात वो कुछ दूर चले गए तो एक बूढ़ा आदमी उनसे कहा क्या कि हाउ क्रुएल यू आर, हाउ क्रुएल कितने निर्दयी यू आर तुम हो, यानी कि तुम लोग कितने निर्दयी हो। क्यों इस बात को वो कहा आगे देखते हैं। दिया है पुअर डंकी यानी कि बेचारा गधा, इट विल डाई अंडर योर वेट, वो आगे ये भी कहे उस बूढ़े आदमी ने उन लोगों से ये भी कहा कि इट विल डाई, ये तो मर जाएगा अंडर योर वेट तुम्हारे वजन के नीचे। दोनों बाप बेटे उस गधे पर चढ़ के जा रहे थे तो एक आदमी वही था वही देख करके कहा अरे बेचारा गधा ये तो तुम लोगों के वजन के नीचे मर जाएगा, तुम लोग कितने निर्दयी हो दोनों लोग चढ़ के जा रहे हो। कैनॉट यू लुक एट हिज कंडीशन, कैन नॉट यू लुक, क्या तुम नहीं देख सकते हो एट हिज कंडीशन उसके हालत को, उसकी स्थिति को तुम लोग नहीं देख सकते हो क्या उसकी हालत हुई है। राइड वन एट ए टाइम प्लीज, और उसने ये भी कहा कि राइड सवारी करो वन एक ही एट ए टाइम एक समय में, यानी कि एक समय में केवल एक ही सवारी करो प्लीज कृपया, यानी कि उसने ये भी कहा कि कृपया एक समय में केवल एक ही आदमी सवारी करो अर्थात एक ही आदमी उस पर चढ़ के जाओ, ये बात कहकर के वो चला गया। अब आगे हुआ क्या, द पोटर फॉलोड हिज एडवाइस एंड केम डाउन द एनिमल, द पोटर कुम्भाल फॉलोड अनुकरण किया हिज एडवाइस उसके सलाह का, उसके सलाह को माना या अनुकरण किया एंड केम डाउन और नीचे आया द एनिमल जानवर के, और जानवर से नीचे आ गया अर्थात जानवर से उतर गया। नाउ द लिटिल बॉय स्टार्टेड राइडिंग ऑन द डंकी अप, नाउ अप द लिटिल बॉय छोटा लड़का स्टार्टेड वो शुरू करता रहा या चलता रहा राइडिंग सवारी करना अर्थात वो सवारी करना शुरू करता रहा या शुरू रखा जारी रखा ऑन द डंकी गधे पर अर्थात वो गधे पर सवारी करना जारी रखा। कौन छोटा लड़का और बड़ा यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या कर रहा था, वो पैदल जा रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दे जस्ट कवर्ड लिटिल डिस्टेंस अनदर मैन केम अप सेइंग द यंग लैड वाज वेरी अनकाइंड टू हिज फादर। अब देखें कुछ दूर ये लोग गए तो हुआ क्या, ठीक तभी दे कवर्ड यानी कि जस्ट ठीक दे कवर्ड वे ढके या वो पूरा किए लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूरी यानी कि ठीक जैसे ही वो लोग थोड़ी दूरी तय किए अनदर मैन केम अप दूसरा आदमी आ गया सेइंग कहते हुए, दूसरा आदमी कहते हुए आ गया अर्थात आशा ये है कि कुछ दूर वो चले तो दूसरा आदमी देखा और वो क्या कहा, द यंग लैड इज वेरी अनकाइंड टू हिज फादर, द यंग लैड छोटा लड़का, लैड मीन्स होता है लड़का, छोटा लड़का इज है वेरी अनकाइंड बड़ा ही निर्दयी टू हिज फादर अपने पिता के प्रति। वो बात उसने इसलिए कहा क्योंकि वो गधे पर चढ़ के जा रहा था और उसका बाप पैदल जा रहा था, इसलिए उस आदमी ने ऐसा कहा।
ही इज इंजॉयिंग द राइड, वो सवारी का आनंद ले रहा है अर्थात लड़का। बट द फादर इज वॉकिंग अप, किंतु पिता पैदल चल रहा है। इसलिए वो कहा था कि वो कितना निर्दयी है। द बॉय वॉज असम्ड, और जब ये बात उस बच्चे ने सुना तो उसे शर्मिंदा महसूस हुआ, वो शर्मिंदा हो गया। द बॉय वॉज असम्ड, लड़का शर्मिंदा हो गया। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू राइट इन हिज प्लेस, ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया हिज फादर अपने पिता को टू राइड सवारी करने का इन हिज प्लेस, उसके स्थान पे। कह रहा है कि उसने अपने पिता से उसके स्थान पे सवारी करने का प्रार्थना किया, अर्थात तो वो कहा कि आप मेरे जगह पे अर्थात गधे पे बैठ जाइए, मैं पैदल चलता हूं। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसा वो हो गया उस आदमी के बात को सुनने के बाद, अब पिता गधे पर बैठ गया और लड़का पैदल चलने लगा। देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम्स डिड नॉट स्टॉप देयर, समस्या वहां समाप्त नहीं हुआ कि वो कह दिया वो ऐसा करने लगे लोग। ओ माय गॉड, एन एल्डरली वुमन क्राइड आउट, व्हाट इज ऑल दिस। कह रहा है कि एन एल्डरली यानी कि एक बड़ी या बुजुर्ग भी कह सकते हैं महिला चिल्ला करके वो बोली, अरे मेरे भगवान व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है। माई हर्ट इज रियली फीलिंग बैड फॉर द लिटिल बॉय, माई हर्ट, मेरा हृदय इज रियली फीलिंग, वास्तव में महसूस कर रहा है बैड, बुरा फॉर द लिटिल बॉय, उस छोटे लड़के के लिए। मेरा हृदय उस छोटे लड़के के लिए बड़ा बुरा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो माँ थी, और कोई भी माँ हो किसी भी छोटे बच्चे को देख करके वो थोड़ा सा नर्वस या उसके अंदर करुणा आ ही जाती है। तो यही चीज हुआ था, उसने ये बात कह दिया। ही इज गोइंग ऑन फूट, वो पैदल जा रहा है। एंड द स्टर्न फादर इज राइडिंग डिलाइटेडली ऑन द डंकी, और वो हठीला स्टर्न मतलब होता है हठीला कह सकते हैं, निर्दयी कह सकते हैं। स्टूबर्न फादर, निर्दयी पिता या हठी पिता, इज राइडिंग सवारी कर रहा है डिलाइटेडली आनंद पूर्वक ऑन द डंकी गधे पर। उस महिला ने कहा कि वो पैदल चल रहा है अर्थात लड़का, और वो निर्दयी पिता गधे पर आनंद पूर्वक सवारी कर रहा है। द पोर्टर एंड हिज सन नाउ गेट फेड अप विथ सजेशंस। अब क्या हुआ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दिया हुआ है द पोर्टर एंड हिज सन यानी कि कुम्हार और उसका लड़का, नाउ गॉट फेड अप, गॉट फेड अप पस्त हो गए थे। गॉट फेड अप, फेड मतलब ऐसे मुरझाना होता है, गॉट फेड अप पस्त हो जाना, पस्त हो गए थे विद सजेशन, सुझावों से सजेशंस। दिया हुआ है कुम्हार और उसका पुत्र अब सुझावों से पस्त हो गए थे। दे थॉट दैट दे वुड नॉट राइड द एनिमल, वे सोचे दे वुड नॉट राइड, वे सवारी नहीं करेंगे द एनिमल जानवर का, वे सोचे कि वो जानवर का सवारी नहीं करेंगे। दे हेल्ड इट्स रोप, वे इसकी रस्सी को पकड़े, एंड वेंट ऑन फुट, और पैदल चलने लगे, अर्थात दोनों बाप बेटे अब पैदल चल रहे हैं उसके रस्सी को पकड़ करके। एज ए रिजल्ट दे गॉट वेरी टायर्ड, परिणाम स्वरूप दे गॉट वेरी टायर्ड, वे बहुत थक गए दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते। अब देखते हैं क्या होता है कि हाउ फुलिश यू, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डंकी, व्हाई डू नॉट यू बोथ राइड इट। दीज वाइज वर्ड्स सेड ए फ्रेंड हु टुक पीटी ऑन देम। अब देखें क्या हुआ, कुछ दूर वो गए तो लग रहा है कोई और आदमी मिल गया, और उसने क्या कहा कि हाउ फुलिश यू, तुम लोग कितने मूर्ख हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डंकी, इस गधे का क्या मतलब है, क्या प्रयोग है, इसको लेकर के जा रहा, अरे बेहतर यही दोनों लोग इस पर बैठ करके जाओ। तो वही कह रहा है कि हाउ फुलिश यू, कितने तुम लोग मूर्ख हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डंकी, इस गधे का क्या प्रयोग है, व्हाई डू नॉट यू बोथ राइड इट, तुम दोनों लोग इस पे सवारी क्यों नहीं करते हो। दीज वाइड वर्ड सेड यानी कि ये बुद्धिमता के शब्द उस एक मित्र ने कहा, हु टुक पीटी ऑन देम,
जिसको उन पर दया आ गई थी। इस बात को उस आदमी ने, उस मित्र ने कहा। अब देखें क्या होता है इस कहानी में। द फादर एंड द सन लास्ट देयर पेशेंस, पिता और बेटे लास्ट खो दिए देयर पेशेंस, अपने धैर्य को। पिता और पुत्र अपने पेशेंस को खो दिए। द फादर सैडली स्पोक टू हिज सन, पिता दुखी से। द फादर सैडली स्पोक टू हिज सन, माई डियर द पीपल आर वेरी क्रूएल। द फादर, पिता सैडली दुखी मन से या दुख होकर के या दुखी से स्पोक, बोले टू हिज सन, अपने पुत्र से, माई डियर मेरे प्यारे, द पीपल आर यानी कि लोग हैं वेरी बहुत क्रूएल निर्दयी। कह रहा है कि पिता दुखी पूर्वक अपने पुत्र से कहा कि मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्यारे बेटे, लोग बहुत ही निर्दयी हैं। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ यू, दे मतलब वे ऑलवेज हमेशा फाइंड फॉल्ट गलती ढूंढते हैं, विथ यू तुमसे, वे हमेशा तुमसे गलती ही ढूंढते रहते हैं। यू कैन नॉट प्लीज देम ऑल टूगेदर, यू कैन नॉट प्लीज, प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न करना, तुम प्रसन्न नहीं कर सकते हो देम उन आल सभी को, टुगेदर एक साथ, तुम उन सभी को एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते हो। वी बेटर कैरी द डंकी ऑन आवर शोल्डर्स, बेटर बेहतर है वी कैरी, हम ले जाएं डंकी गधे को, ऑन आवर शोल्डर्स अपने कंधे पर, बेहतर है कि हम गधे को अपने कंधे पर ही ले जाएं। द सन हेल्ड एंड प्लेस द फोर लेग्स ऑफ द एनिमल ऑन हिज शोल्डर्स, कह रहा है कि द सन यानी कि पुत्र हेल्ड पकड़ा, यानी कि पुत्र ने पकड़ा, एंड प्लेस द फोर लेग, फोर लेग मतलब होता है अगले पांव, और अगले पांव को प्लेस्ड रख लिया ऑन द ऑफ द एनिमल्स, जानवर के, ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधे पर। कह रहा है कि पुत्र ने उसके जानवर के अगले पैर को पकड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। द फादर पुट द हाइड लेग ऑन हिज शोल्डर्स एंड स्टार्टेड स्लोली। द फादर, पिता पुट रख लिया द हाइड लेग्स पिछले पांव को ऑन हिज शोल्डर्स अपने कंधे पर। पिता ने पिछले पांव को अपने कंधे पर रख लिया, अर्थात पिता ने जानवर के पिछले पांव को अपने कंधे पर रख लिया। एंड स्टार्टेड स्लोली, और धीरे धीरे शुरू हो गया, अर्थात धीरे धीरे चल दिया। द पीपल, सॉरी, द पुअर डंकी वॉज अफ्रेड ऑफ राइडिंग देम, द पुअर डंकी बेचारा गधा वाज था अफ्रेड ऑफ, भयभीत, राइडिंग देम उनकी सवारी करके, बेचारा गधा उनकी सवारी करके भयभीत था। एज ही फेल्ट अनइजी, और क्योंकि, एज क्योंकि, यहाँ एज मतलब जब नहीं, जैसे नहीं, क्योंकि कहेंगे, क्योंकि वह असाधारण महसूस करता था। इट किक्ड देम ऑफ विथ ए लाउड ब्रे, और इसने जोर से उनको किक किया, किक मतलब होता है लात मारना, और इसने उन लोगों को जोर से रगड़ करके लात मारा। एंड द पॉटर एंड हिज सन ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और कुम्हार और उसका बेटा ले लेट गया, गिर गया फ्लैट सपाट ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, और कुम्हार और उसका बेटा भूमि पर सपाट ही गिर पड़ा। ये था लेसन फोर, क्लास फोर का। यू कैन नॉट मेक एवरी बॉडी हैप्पी, यानी कि तुम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, यू कैंट मेक हैप्पी एवरीबॉडी, ये पाठ का नाम था, जिसमें कई लोग अपने अपने तरीके से उन दोनों को देख करके कहे। तो वास्तव में यह हकीकत है कि सभी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, यही चीज इसमें बताया गया है। उम्मीद है कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।